एक ऑक्टागोन सिलेंडर लिया है, ठीक है, और उसके अल्टरनेट फेसेस को सिलेक्ट करके आई से इंसर्ट हल्का सा और ई से एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स हम लीवर को पकड़ के खींचेंगे, ठीक है। बचे हुए जितने भी पीछे वाले प्लेन्स हैं उनको सिलेक्ट करके भी एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, पर इसको थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, इस तरीके से टॉप फेस को और बॉटम फेस को भी सिलेक्ट करके उनको आई से इंसर्ट, ठीक है, ई से एक्सट्रूड अंदर की तरफ। अब एक मैं सिलेंडर ऐड कर रहा हूँ बट उसके नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं वो बढ़ा रहा हूँ 30, तो ज़्यादा वो कर्विलिनर लगेगा इस तरीके से, ठीक है। इसको जैसे स्केल किया मैंने ऐसा लग रहा है, इसको स्केल कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, टॉप और बॉटम फेस को सेलेक्ट करके आई से इंसर्ट और राइट क्लिक और फ्लैटन कर देता हूँ, सो हमारा बीच का चला जाएगा। अब ये जो अंदर का जो हमारा है पूरा, उसको एल सेलेक्ट करके इसको मैं रोटेट कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। अंदर वाले ऑब्जेक्ट को एल दबा के लिंक सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आते हैं, ठीक है। बाहर के सिलेंडर पे कंट्रोल आर से दो लूप कट और कंट्रोल बी से बेवल, इस तरीके से। ये थोड़ा हम कुछ डिफरेंट करने की ट्राई कर रहे हैं, एक्सट्रूड डालो नॉर्मल से बाहर की तरफ ये सारे प्लेन्स को हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल बी से बेवल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, पर ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। अब एक लूप कट इधर से बाहर की तरफ और एक लूप कट पीछे से उस तरफ, इसको हम स्केल करेंगे, स्केल डाउन करेंगे और इधर से हम एज, टॉप एज को पकड़ के कंट्रोल पी से बेवल कर देंगे। सो ये एक इस तरह का सिलेंडर वाला इफेक्ट आएगा इसमें, अंदर के सारे प्लेन को सेट करके आई से इंसर्ट और ई से एक्सट्रूड बाहर की तरफ कर देंगे, ठीक है। इस वाले प्लेन को सेट करके अगेन आई से इंसर्ट। सो ये हमारा है कुछ कुछ एक अलग स्टाइल का सिलेंड्रिकल पैनल रेडी हुआ है। एक काम करते हैं, एज को सेट करके इसको भी थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं ताकि थोड़ा सिमिट्री आए, थोड़ा ऑड लग रहा था, ठीक है। नीचे वाले एज को पकड़ के हम एक्सट्रूड भी कर सकते हैं या स्केल भी कर सकते हैं। सो ये हमारा एक और सिलेंड्रिकल साइफा है, इसको स्केल कर सकते हैं वाई एक्सिस में, थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ा सकते हैं। ये आने वाले हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, स्पेशली ट्रक वगैरह, उसमें बहुत यूज़ होगा, बाकी स्मॉल ऑपरेशंस हैं। सो ये हमारा एक और सिलेंड्रिकल पैनल रेडी है। फिर से सेम हम ऑक्टागन सिलेंडर लेंगे, ठीक है। इस बार सारे प्लेन्स को सेलेक्ट करके अल्ट दबा के और आई से इंसर्ट करेंगे इंडिविजुअली और ई से एक्सट्रूड कर देंगे बाहर की तरफ, इस तरह से। सारे प्लेन्स ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, सो इनको स्केल कर देते हैं इस तरीके से। अब एक अगेन सिलेंडर ऐड कर रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यूज़ बढ़ा देते हैं पिछली बार की जैसे, सो एक स्मूथ सिलेंडर आ जाएगा हमारे पास। इसको भी मैं स्केल कर सकता हूँ सेम जैसा मैंने पिछली बार करा था, टॉप के और बॉटम के फेस को सेलेक्ट करके ताकि हमको अंदर का दिखे, ठीक है। इसको आई से इंसर्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक और फ्लैटन या डिलीट भी कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, लूप टूल्स करके ब्रिज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको स्केल कर रहा हूँ मैं नीचे जितना हो सके इस तरीके से, सो हमको ये वाला इफेक्ट मिलेगा बेसिकली। अगेन टॉप फेस को सेलेक्ट करके मैं हाइड कर सकता हूँ और ये अंदर के चीज़ों को और मैं स्केल कर सकता हूँ इस तरीके से। बाहर के सारे प्लेन सेलेक्ट करें मैंने, ठीक है, और स्केल कर दिया है। कुछ नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट का खेल है इसमें, मैं कुछ खास, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्केल और एडजस्ट कर रहा हूँ। अगेन आई से इंसर्ट, ई से एक्सट्रूड नीचे की तरफ, ये तो अब हमारा सिग्नेचर मूव हो चुका है, बट ये आप हर जगह पे देख सकते हैं ऐसा, ठीक है। एक और हमारा पैनल रेडी हो चुका है, इसको भी हम यूज़ करेंगे।